इंसानों की नौकरी छिनवा रहा है चैट जीपीटी। इफ यू हैवंट हर्ड ऑफ चैट जीपीटी दैट इज थ्रेटनिंग टू किल गूगल। चैट जीपीटी की एक बड़ी प्रॉब्लम को लेकर गूगल सर्च के चीफ प्रभाकर राघवन ने लोगों को चेतावनी दी है और चैट जीपीटी की बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताया है। क्या चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आगे चलकर खत्म कर देगा और गूगल सर्च के चीफ ने क्या कुछ कहा है और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा आगे चलकर चैट जीपीटी का। AI चैटबॉट को पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के लोग काफी पसंद कर रहे हैं और पसंद करे भी क्यों नहीं, क्योंकि तमाम कंपनियां चैटबॉट का इस्तेमाल कस्टमर सर्विस के लिए कर रही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चैटबॉट की दुनिया बदल सी गई है। चैट जीपीटी के आने के बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है। चैट जीपीटी ने मानो जैसे दुनिया को अपना दीवाना बना दिया हो। चैट जीपीटी इतना फेमस होते जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां भी इसके पीछे पड़ गई हुई है। चैट जीपीटी का तरक्की माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से हजम नहीं हो पा रहा है। चैट जीपीटी की तरह ही AI चैटबॉट के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। इस वक्त इन कंपनियों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर में सबसे आगे बढ़ने का होर लगा हुआ है। हालांकि फिलहाल चैट जीपीटी सबसे आगे है, लेकिन चैट जीपीटी की एक बड़ी समस्या को लेकर गूगल सर्च के चीफ प्रभाकर राघवन ने लोगों को चेतावनी दी है और इसके नुकसान के बारे में बताया है। जर्मनी के एक अखबार के साथ इंटरव्यू देते हुए राघवन ने चैट बोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉसिबल डेंजर्स को लेकर बात की है। उन्होंने AI में हैल्यूसिनेशंस यानी कि मति भ्रम को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। राघवन के मुताबिक चैट जीपीटी जैसे AI टूल मनगढ़ंत उत्तर भी दे सकते हैं, मतलब अपने आप कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। राघवन ने इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए और लोगों के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैट जीपीटी अंग्रेजी में जवाब तो काफी हद तक सटीक दे रहा है, लेकिन हिंदी में इसका मति भ्रम जरूर हो जा रहा है। आप खुद एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अल्फाबेट की कंपनी गूगल बार्ड नामक एक चैटबॉट को पेश किया है। फिलहाल बार्ड नामक यह चैटबॉट यूजर्स के फीडबैक के लिए जारी किया गया है। कंपनी आने वाले दिन में इसे सभी के लिए जारी कर सकता है। अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने खुद इसकी कंफर्मेशन दी है। इसके अलावा गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भागवत गीता से इंस्पायर होकर AI चैटबॉट गीता नामक एक चैटबॉट को बनाया है। गीता चैटबॉट की मदद से यूजर्स उनकी रोजमर्रा की समस्याओं के बारे में भागवत गीता से एडवाइस ले सकेंगे। यानी कि इस चैटबॉट की मदद से आप जो भी सवाल पूछेंगे वो चैटबॉट भागवत गीता से ढूंढ कर उन सवालों का जवाब आपको देगा। तो दोस्तों, चैटबॉट की इस दुनिया में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दे और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। चैनल में बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस है, आप जाकर उन्हें भी देखें।